सफलता का वाहन है, चमत्कार है चमत्कार। बोले बाबा। तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए, और नहीं भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई ना तुम लोगों को अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस ना तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखने, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो। ये बढ़िया था गुरु। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस डेली देखने के लिए। ओके, तो शायद से तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो भी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक होकर निकला है, तुम लोग को नेक्स्ट टाइम की इस वाली जगह पे आ जाना, जो अपना वेंडिंग मशीन रहता है ना, इस वाली जगह पे आ जाना तुम लोग को, फिर अपने मिनी लॉन्च पैड को ना तुम लोग इस वाली जगह पे कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना है, और जैसे तुम लोग का मिनी लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाएगा तो फिर तुम लोग को ना इसे ऊपर की साइड करना है, जो तुम्हारा लीवर और मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना। उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा ना जो अपना वेंडिंग मशीन है टावर रहता है ना, इसके अंदर आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले वेंडिंग मशीन के टावर के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे तुम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा, और बहुत ही आराम से ना तुम लोग इस वाली जगह से अपना रैंक पुश कर पाएगा, और जो भी बंदे यहाँ पे सामान खरीदने आएंगे ना उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके रैंक पुश करना चाहते हो तो तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और बहुत ही आराम से अपना हीरोइक को ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो। तो भी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग किसी भी एक मैच में आ जाना, क्लासिक हो या रैंकेड, उस वाले गेम में आ जाना, और तुम लोग को आलोक को लेके आना, फिर तुम लोग यहाँ पे डाटा ऑफ कर देना अपने प्लेन में। उसके बाद तुम लोग कुछ ऐसे नीचे उतर जाना है, और ध्यान रहे कि तुम लोग ना किसी ऊंची जगह पे उतरना है, तुम लोग को एकदम नीचे जमीन पे नहीं जाना है। और ना जैसे तुम लोग प्रॉपर एकदम नीचे किसी ऊंची जगह पे उतर जाएगा ना, उसके बाद तुम लोग करना है जो तुम्हारा आलोक का बटन होता है ना, उस पर तुम लोग को टैप टैप करते रहना, जैसे 5-6 बार तुम लोग टैप कर दोगे ना आलोक के बटन पे, फिर तुम लोग को करना है कि तुम लोग अपने डाटा को कुछ ऐसे इस वाली जगह पे आके ऑन कर लेना है। और ना जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर लेगा, फिर भी तुम लोग टैप टैप करते रहना, और जैसे ही तुम लोग का बिल्कुल पिंग नॉर्मल होने वाला होगा ना, तुम लोग टैप टैप करना छोड़ देना। उसके बाद देखी सकते हो तुम्हारा करेक्टर ना उतरते टाइम ही हवा में अपना आलोक चालू कर चुका है, मतलब कि तुम लोग देखी सकते हो वाली ट्रिक ना देखने में कुछ खतरनाक लग रही है, मतलब यहाँ पे तुम लोग उतरोगे ना तो कोई बंदा तुम लोग को देखेगा तो पूरा पगला ही जाएगा कि कैसे हवा में इसने अपने आलोक को चालू कर लिया है। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना तो मतलब पूरा पगला ही जाने वाले है ना कि कैसे तुम्हारा करेक्टर पूरा हवा में आलोक चालू कर चुका है। अच्छा, तो अभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग बरमूडा की इस वाले ब्रिज के पास ना अपने मिल लॉन्च पैड कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना, जो तुम्हारा लीवर मिनिमाइज का बटन होता ना, दोनों को साथ में लगा के गेम में वापस आ जाना है, और तुम लोग फिर देखी जाओ तो तुम लोग पूरा ब्रिज के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग पूरा ब्रिज के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और अगर लास्ट वाला जोन यहाँ पे बनता है ना तो तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाला है ट्रिक। और इस वाले बग का इस्तेमाल करके ना लिटरली तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो, बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और काफी बार ऐसा होता है ना जब इस ब्रिज पे बंदे कुछ दौड़ते हुए आते हैं तो उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो, और उन्हें इमोट भी दिखा सकते हो। और इस वाली जगह पे ना तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी आ सकते हो, अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पे आकर बहुत ही आराम से तुम अपना और अपने स्क्वाड का रैंक पुश करवा सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो तुम लोग इस वाली जगह से। तो अपने चौथे वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को परगेटरी में आपके इस वाले जो घर होता है ना इसके पास तुम लोग को आ जाना, और इस पहाड़ को सटा के ना कुछ ऐसे अपने मिनी लॉन्च पैड को लगा देना, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना, और जो तुम्हारा लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना। उसके बाद देखते हो तो तुम लोग पूरा पत्थर के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग पूरा पत्थर के अंदर जाएगा, उसके बाद तुम लोग को थोड़ा सा दौड़ना, उसके बाद तुम लोग देखते हो तुम लोग ना पूरा अपने परगेटर में आपके घर के नीचे आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो, और बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, लिटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और ना अगर कोई बंदा सर्वाइव करते हुए इस वाले घर में आके कुछ लूट करने लगता है, कुछ बैठ जाता है ना यहाँ पे, तो तुम लोग उसे हेड पे एम करके बहुत ही आराम से मार सकते हो, और इससे इमोट भी दिखा सकते हो। और अगर तुम लोग अपना रैंक पुश करके बहुत ही जल्दी अपना हीरोइक और ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो ना, तो तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी इस वाली जगह पे आ सकते हो, और बहुत सारे किल करके बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। बात तो सही है। तो अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को परगेटरी में इस वाली जगह पे ना सबसे पहले तुम लोग को आ देना, फिर तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना। उसके बाद देखिए तो तुम लोग पूरा ना पहाड़ के अंदर आ चुके हो।
और ना जैसे तुम लोग इस वाले पूरे पहाड़ के अंदर रहोगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और यहाँ पे ना लिटरली तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और इस वाले जैसे बहुत सारे किल करके ना तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और ना अगर तुम लोग रैंक पुश करके बहुत ही जल्दी हीरोइक को ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो ना, तो ये वाले ट्रिक तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और इस वाली जगह पे आकर ना तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे और बहुत सारे किल भी कर पाओगे, और इस वाली जगह पे ना तुम लोग लिटरली कोई नहीं देख पाएगा। जाना तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो, और चारों बंदे ना इसी के अंदर घुस के पूरा जमीन के अंदर अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और लास्ट वाला जेंडा कभी कभी यहीं पे बन जाता है, तो तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाला है ट्रिक। वाओ, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ठीक है समरिया, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।